नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं आप लोगों के डिमांड पर, मेरे बहुत सारे व्यूअर ने मेरे व्हाट्सएप पर प्रश्न किया, मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल किया, पार्टिसिपेशन ऑन प्रोसेस एवोल्यूशन के बारे में लिखने के लिए, कैसे इसको बनाएंगे, क्या करना है, इसके बारे में लोगों ने पूछा। मैं उनके लिए यह वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, मूल्यांकन प्रक्रिया पर सहभागिता। दोस्तों, यह इस तरह का आप इसका फ्रंट पेज स्वयं बना सकते हैं, जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग, इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, डेट ऑफ सबमिशन। दोस्तों, एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वर्कशॉप है, यहाँ पर आपको काम करके दिखाना है। जब काम करके दिखाना है तो आपके अंदर कितनी क्षमता है उसको दिखाना है, आप कितने जानते हैं उसको दिखाना है, उसके अनुसार आपको मार्क्स मिलेंगे। यदि आप कंप्यूटर वाला सभी ये पेज प्रिंट करके ले जाते हैं तो आपका, आपके अंदर जो क्षमता है वो तो उजागर नहीं हुआ। ये कंप्यूटर से बना हुआ है, आपके अंदर जो कौशल है, जो ज्ञान है, वह तो आपके ही अंदर छिपा रह गया। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग खुद से इसे डिजाइन करके और ले जाएं, ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग आगे चलते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑन प्रोसेस एवोल्यूशन, ये 512 का है, ये हेडिंग आपको लिखना है। उसके बाद इसका उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य क्या है, आप खुद सोचिए कि एवोल्यूशन, बच्चों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। बच्चों को जो हम शिक्षा दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। हम हमेशा चाहते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण कर समाज के लिए उत्तरदायी हो और श्रेष्ठ नागरिक बने। बच्चे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आजीविका चला सके, इसके लिए हम उसे शिक्षित करते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु बच्चे कितने तैयार हो रहे हैं। मैं जो लक्ष्य लेके चला है, हम लोगों का जो लक्ष्य है, बच्चों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना। इस श्रेष्ठ नागरिक बनाने में जो हम लोग प्रयासरत हैं, वह कितना तैयार हो रहा है, इसके लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं, या उनमें क्या कमी रह जा रही है, इसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। कमी और स्ट्रेंथ दोनों का हम आकलन करते हैं, और यदि कमी है तो क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए। उस दक्षता को यदि हासिल कर लिया तो अच्छा है, यदि वो दक्षता को हासिल नहीं कर पाया है तो हम उसको कैसे सुधारेंगे। इन सब बातों के लिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने का यही उद्देश्य है। मूल्यांकन का आवश्यकता, दूसरा टॉपिक है मूल्यांकन की आवश्यकता। मूल्यांकन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्र को भी मूल्यांकन के दायरे में लाना जरूरी है। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जिससे छात्रों की क्षमताओं और कमियों को बार बार प्रकट कर सुधार लाने का प्रयास किया जाए। मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है कि बच्चों में क्या कमी है, उसके क्षमता में क्या कमी है, उसके कौशल में क्या कमी है, उसको बार बार हम लोग देखना है और उसका सुधार लाना है, सुधार करके एक श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, इसलिए मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो हम मूल्यांकन करते कैसे हैं। हमारे यहाँ जो मूल्यांकन करने का प्रक्रिया है या जो एक प्रोसेस है,
उसे हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें छात्रों के चहुमुखी विकास के सभी पक्ष शामिल हैं, जिसकी विशेषता है कि एक ओर मूल्यांकन में निरंतर और व्यापक रूप से सीखने की प्रक्रिया का आकलन तथा व्यवहारिक रूप से समाज में सामंजस्य स्थापित करने का भी मूल्यांकन होगा। यहाँ चीज देखिए कि इस मूल्यांकन में, सतत और व्यापक मूल्यांकन में, बच्चों के जो अंदर क्षमता है समाज के लिए, जो कुछ करना चाहता है कर सकेगा, उसके लिए हम लोग निरंतर, एक बार नहीं, निरंतर प्रतिदिन मूल्यांकन हम लोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्यालय और कक्षाओं में पढ़ने पढ़ाने के तरीके बच्चों में अंतर्निहित क्षमताओं को उभारने और उसमें अपना ज्ञान निर्माण स्वयं करने की क्षमता विकसित हो, और इन क्षमता का बच्चों ने जो सीखा उसका मूल्यांकन उनके पढ़ने के दौरान लगातार होता रहे और उन्हें परीक्षा का भय भी ना हो, यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, इसका सबसे बड़ा विशेषता है निरंतर प्रतिदिन, सतत मतलब होता है लगातार, और यह बोझ से मुक्त होकर अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है, यानी उसको पता नहीं चलता है कि मेरा आज एग्जाम हो रहा है, परीक्षा का डर नहीं होता है। छात्र विशेष की जरूरत को समझकर निदान प्रस्तुत किया जा सकता है, जो बच्चों में कोई कमी है, जो आवश्यकता है, उसका निदान किया जा सकता है। बच्चे स्वयं की अपनी कमियों को जान सकेंगे और दूर कर सकेंगे। इसमें रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन होता है। यह जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसमें दो तरह का मूल्यांकन होता है। पहला का नाम है रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा का नाम है योगात्मक मूल्यांकन। एक वर्ष में 4 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं और 2 योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। इसके पहले मैंने ब्लू प्रिंट ऑफ ए क्वेश्चन पेपर, उसमें रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन का विशेष चर्चा किया गया है। आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से देखकर इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि यह एक बहुत ही VVI बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके बारे में आप अवश्य जान लें, परीक्षा में संभवतः ये प्रश्न आपका आएगा, इसलिए इसे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से, 512 आपका फॉर्मेट के दृष्टिकोण से, और जब आप इसे सीख जाएंगे तो अपने कक्षा में इसे लागू करने में भी आसानी होगा, आपका जो बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट रहेगा उसे बनाने में आसानी होगी। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। यह निदानात्मक तथा उपचारात्मक मूल्यांकन होता है, फीडबैक के द्वारा दिशा निर्देश देता है, अधिगम में सक्रिय भागीदारी हेतु मंच प्रदान करता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को परस्पर जोड़ता है, अध्यापकों को अपने शिक्षण को छात्रों के अनुकूल बनाने में सहायता प्रदान करता है। एक चीज जान लीजिए कि रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के अंत में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चा ने कितना सीखा, पढ़ाए गए पाठ के संदर्भ में ज्ञान की कितनी रचना हुई, यह जानने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन कार्य रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसके लिए रचनात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक पाठ का किया जाना है। अब हम लोग चलते हैं योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता। यह सत्र के अंत में जानना भी जरूरी है कि छात्र ने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। यह अधिगम का मूल्यांकन होता है। एक निर्धारित समय अंतराल पर किसी कक्षा के पाठ्यक्रम के किसी विषय में
बच्चों की प्राप्त जानकारी की जांच की जाती है। इस तरह के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किसी कक्षा के पाठ्यक्रम के एक हिस्से या पूर्ण हो जाने के बाद बच्चों को प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसमें है क्या कि जो सत्र का निर्धारण होता है इसको दो अवधि में बांटा गया है, 6-6 माह के दो अवधि में बांटा गया है, तो 6 माह के अंतराल में योग्यात्मक मूल्यांकन लेना है। उसमें कितना बच्चों ने पाठ्यक्रम को सीखा, अधिगम का मूल्यांकन मतलब जो उसका सिलेबस था 6 महीने के सिलेबस में कितना सीखा उसका यहाँ पर मूल्यांकन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आपको इन सभी चीज़ों का PDF फाइल आप चाहते हैं तो आप अपना नाम, विद्यालय का नाम, स्टेट लिखकर मेरे WhatsApp नंबर पर आप WhatsApp करें, मैं आपको इसका PDF फाइल दूंगा। नंबर एक बार फिर से देख लें, 8 रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ उपकरण है, यहाँ तकनीक है। ग्यारह उपकरण है और 10 तरह के तकनीक हैं। फिर आगे आता है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन जिसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। अब सतत आकलन के लिए ग्रेडिंग प्रणाली क्या है? श्रेणी और ए अंक है, सहयोग की आवश्यकता के लिए 1 अंक है, संतोषजनक प्रगति है तो 2 अंक है, या उत्कृष्ट प्रगति है तो 3 अंक है। उपयुक्त प्राप्त अंकों को जोड़कर प्राप्तांकों का प्रतिशत अगणित करना है। इसके बाद नीचे दिए गए बेसिस ऑफ ग्रेडिंग के आधार पर प्राप्तों को ग्रेड में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर ग्रेड है, ये प्राप्तांक है। आप इसको इधर लिखे रहते, ये इधर रहता तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूँ। आप इसको प्राप्तांक इधर लिखेंगे और ग्रेड को इधर लिखेंगे और ऐसे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ग्रेड के लिए इतना परसेंट चाहिए, बी ग्रेड, ये देखिए आपका अच्छा से उसके बाद आता है ग्रेडिंग प्रपत्र। ये ग्रेडिंग प्रपत्र में विद्यार्थी का नाम, विषय, कक्षा, रोल नंबर, यहाँ पर मैं हिंदी विषय का लिया हूँ, और इस तरह से एक अवधि में 4 चरण होता है, लेकिन जगह के अभाव में मैं 3 ही चरण यहाँ पर 3 चरण का कॉलम बनाया हूँ। आप लोग 4 चरण का बना देंगे बेटर होगा। पहला तिथि होता है ग्रेड, जब हम उसका मूल्यांकन कर रहे थे तो उस समय उस यहाँ तिथि डालते हैं और उस दिन का उसका प्राप्त ग्रेड को यहाँ डालते हैं। उसी तरह से दूसरा चरण में, फिर इसी तरह तीसरा चरण और चौथा चरण में। विषय हिंदी में हम लोगों को पढ़ना, लिखना, उच्चारण करना, हस्तलेख, सुनना, बोलना आदि कॉम्पिटेंसी का हम लोगों को जांच करना होता है। ये आपका ये पूरा फॉर्मेट हुआ, इस तरह से आपको लिखना है। इसके साथ आपको रेटिंग स्केल फॉर पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप लगाना है, जिसमें आपका मूल्यांकन होगा कि आपने वहाँ पर जो ये रिपोर्ट बनाए इसके आधार पर, इसका जो प्रेजेंटेशन किए उसके आधार पर आपको कितना अंक मिलना चाहिए, उसका जो रेटिंग स्केल है उसके साथ उसका भी एक पेज लगाना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपका मूल्यांकन प्रक्रिया पर सहभागिता, पार्टिसिपेशन ऑन प्रोसेस एवलेशन के लिए था। ये विशेष मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्कशॉप में आपको करके दिखाना है, TLM बना के दिखाना है, लेसन प्लान प्रेजेंट करके दिखाना है, ये इसमें आपको मूल्यांकन करके दिखाना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए दे दिया जाए, रचनात्मक प्रश्न पत्र दे दिया जाए, या फिर योगात्मक प्रश्न पत्र दे दिया जाए, तो आप ये सब कुछ घर से ही पढ़ के जाए ताकि आपको वहाँ पर अच्छा मार्क्स मिल सके।
तो दोस्तों, आप किसी भी तरह के हेल्प के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।